हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया का संविधान कैसे बना, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से एक स्टोरी के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे कभी भी ना भूलें। सो ये पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट होती है। वैसे तो देखिए, इसके रूट्स आपको हिस्ट्री में बहुत पहले से मिलेंगे, बट जो मेन इंस्टेंट आप कह सकते हैं कि इंस्टेंट मेकिंग जो स्टार्ट हुई, वो हुई कैबिनेट मिशन के आने से। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। जब कैबिनेट मिशन आया उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? ये एक एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो कैबिनेट मिशन आया था ड्यूरिंग वाइसराय लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का नाम आपको याद रखना है, ये उस टाइम इंडिया के वाइसराय थे, सॉरी ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय थे जिस टाइम कैबिनेट मिशन आया था। अब कैबिनेट मिशन था क्या? इसमें तीन लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, जिनका काम था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो अब इन तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है। देखिए, इंग्लिश में नाम है तो याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है स्पा, SPA, स्पा, ठीक है। अब नाम तो देखिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रखना ही पड़ेगा, बट मैंने आपको ट्रिक बता दी। एस फॉर स्टेफर्ड क्रिप्स, पी फॉर पैट्रिक लॉरेंस एंड ए फॉर AV अलेक्जेंडर। तो स्पा हो गया, ठीक है। स्पा क्या हुआ? कैबिनेट मिशन के मेंबर्स, राइट। तो अब कैबिनेट मिशन आ गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946। नवंबर 1946 में बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? यह है संविधान सभा, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका काम है इंडिया का संविधान बनाना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो उस पूरे ग्रुप को नाम दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हिंदी में संविधान सभा। इसका काम क्या था? टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ओके, फाइन। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, अब इसकी मीटिंग्स भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, याद रखना है आपको। ये हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम भी याद रखना है, बट इंटरिम थे। इंटरिम मतलब वैसे ही इन्होंने कुछ टाइम के लिए इन्हें अपॉइंट कर दिया, क्योंकि अभी कौन बनेगा प्रेसिडेंट या हेड वो भी डिसाइड नहीं था। तो किसी ना किसी को तो प्रिसाइड करना था, किसी ना किसी को तो हेड बनना था मीटिंग में, तो इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया, ठीक है। बट नेक्स्ट मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946, यानी ये 2 दिनों के बाद। इस दिन प्रेसिडेंट और नॉन प्रेसिडेंट दोनों जो है वो सिलेक्ट किए गए। प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कब कौन बने? HC मुखर्जी। दोनों कब बने? 11 दिसंबर को। सच्चिदानंद सिन्हा कब बने? 9 दिसंबर को, और ये इंटरिम थे, ठीक है। अब देखिए, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, हम पढ़ क्या रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, तो जब वो पहली बार मिली तो हेड कौन था, और फाइनली जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने वो कौन थे। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, यानी संविधान के जो सलाहकार थे वो कौन थे? सर BN राव। याद रखना है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, ये आइडिया किसके दिमाग में आया? MN रॉय के दिमाग में आया 1934 में। अब देखिए होता क्या है, सर BN राव, MN रॉय, सेम से नाम है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको याद रखने का एक तरीका, जो जिस तरीके से मैं याद रखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको तरीका अच्छा लगता है आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की बात करें, एडवाइज़र मतलब एडवाइज़र में ए है, ए बी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, BN राव, ए एडवाइज़र। मैंने ऐसे याद रखा है, जो बच गया वो MN राव, यानी कि आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोई और ट्रिक है तो और भी अच्छी बात है। प्लस भूलना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम नॉर्मली क्या होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है जी। अब आप आगे देखिए, हमने पढ़ लिया कि कौन हेड बना, कौन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्ट्रीब्यूशन, या आप कह सकते डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, टोटल लोग कितने थे, कौन से कहाँ से थे, वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, तो इसमें कितने थे, अब वो पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ थी 389, ठीक है। अब 389 को कैसे डिवाइड किया हुआ था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब 296 और 93, 296 मतलब ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से पूरा का पूरा इंडिया डिज़ाइन किया हुआ था, कौन सा कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इंडिया का नाम दे दिया यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के पास थे 296 सीट्स, प्रिंसली स्टेट्स के पास थी 93 सीट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, जैसे कि किसी राजा के अंडर है, ठीक है, किसी गवर्नर के अंडर है, तो वो हो गई प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे मैंने इसको रेड मार्क क्यों किया है,
it remained unfilled as they stayed away from constituent assembly. अब इन लोगों ने कभी इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हुए, प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा, कभी उन्होंने इस constituent assembly को तवज्जो ही नहीं दिया कि भी कोई चीज़ है, तो ये सीटें कभी भरी नहीं, ये सीट्स हमेशा खाली रही. ठीक है, remained unfilled as they stayed away from constituent assembly, वो हमेशा इस चीज़ से दूर ही रहे. ठीक है, ये तो हो गया 389 को कैसे डिवाइड किया था. अब प्रिंसली स्टेट्स का तो किस्सा ही खत्म हो गया क्योंकि ये लोग हमेशा ही दूर रहे. अब आ गए 296 सीट्स जो कि ब्रिटिश इंडिया के पास थी, तो अब इन लोगों ने तो प्रॉपर भागीदारी निभाई, तो 296 सीट्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है 292 एंड 4 में. 292 क्या है, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश की प्रोविंसेस थी, और 4 क्या है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंडर थी डायरेक्ट, और कुछ प्रोविंसेस जो चीफ कमिश्नर्स के अंडर थी. तो ये चार थी, कौन कौन सी थी हम इसे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. सो अभी हमने डिस्कस किया था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के बारे में, तो वो चार थी, कौन कौन सी, दिल्ली, अजमेर मरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान. ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो अब प्रोपोर्शनेट दी जाती थी कि कितने लोगों को कितनी सीट है वो कैसे डिसाइड होगा. देखिए, सीट्स अलॉटेड प्रोपोर्शनल टू ईच वंस रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to 1 million. अगर 1 million पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की तो उन्हें एक सीट मिलेगी, 10 million पॉपुलेशन है सिखों की तो उन्हें 10 seats मिलेंगी. मतलब 1 million पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट दी जाती थी, अगर इससे कम पॉपुलेशन है तो सीट्स दी नहीं जाती थी कॉन्स्टेंट असेंबली में, क्योंकि सीट्स दी क्यों जाएगी, अगर सिख है तो सिखों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिख चाहिए, मुस्लिम है मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिख चाहिए. अब चलिए ये तो एक अलग से स्टोरी भी है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम बस ये पढ़ेंगे कि सीट्स अलॉट कैसे की जा रही थी कॉन्स्टेंट असेंबली में. 1 to 1 million, ये वर्ड्स एज इट इज़ आपको ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट है सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन. अभी सीट्स दी किस किस को गई थी, मुस्लिम्स को, सिख्स को और जनरल को. ये ऑलरेडी 3 parts में डिवाइडेड थी, मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेशन थी, सिखों को अलग रिप्रेजेंटेशन थी, जो जनरल थे उनको अलग रिप्रेजेंटेशन थी. अब नेक्स्ट आता है वोटिंग मेथड, कि वोटिंग मेथड क्या था, मतलब कॉन्स्टेंट असेंबली में कौन कैसे रहेगा वो कैसे डिसाइडेड था. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस चीज़ को हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 candidates हैं तो आप 5 के 5 candidates को प्रेफरेंस के रूप में सेट कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसी को देना चाहते हैं, सेकंड किसी को, थर्ड किसी को, इस तरह से. फिर फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको है, अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है तो फिर उसको सीट मिल जाती थी. तो ये एक अलग से स्टोरी है, ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे. जस्ट आप याद रखिए, वोटिंग मेथड जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता था. ठीक है, एंड टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, इट टू 2 years, 11 months and 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन भी बनता है MCQ में, इसलिए मैंने हाईलाइट करके लिखा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे भी हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि ये कब आया, कैसे आया. तो देखिए, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया गया. किसने किया, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इतना ही. नेक्स्ट है सम फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंक्शंस परफॉर्म किए जो थोड़े हटके हैं बट इंपॉर्टेंट हैं. नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, ये सारे फंक्शंस किसने परफॉर्म किए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. देखिए, ये डेट्स आपको याद रखनी है. नेशनल फ्लैग कब हमारा अडॉप्ट किया गया है, 22 जुलाई 1947 को. ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग सेम डे में अडॉप्ट किए गए हैं, कब, 24 जनवरी 1950 को. 24 जनवरी 1950 ये कुछ इंपॉर्टेंट डे भी है, इस दिन कौन सा डे है वो हम नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. सो अब होता क्या है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो पास किया गया. अब देखिए, हम दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं, एक है 26 नवंबर 1949, एक है 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो देखिए, जो 26 जनवरी 1950 है इसको फोर्स में आया था, लेकिन पास कब हो गया था 1949 में, 26 नवंबर को. तो ये दो डेट्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इस डेट को पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन और इस डेट को डायरेक्टली फोर्स में आया था. ठीक है, नाउ ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है. अब वंस अगेन, नाउ लास्ट सेशन ऑफ असेंबली. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को. उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है जी, ये कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. नाउ टोटल एक्सपेंडिचर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना खर्चा आया.
अब आपको पता ही होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें खर्चा भी बहुत आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की गई हैं, तो उनको पढ़ने में, उन बुक्स को लाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया है। वो देखते हैं, 63,96,729 रुपये, 63,96,729 रुपीज़ खर्चा आया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है या नहीं। देखिए, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये आपको रट लेने हैं क्योंकि ये अब आपके पूरी की पूरी पॉलिटी में चलने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू, अब अभी आपने जस्ट पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है, दैट्स ओके, धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे और होने भी चाहिए। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे थे 22 पार्ट्स, आज हैं 25 पार्ट्स। पढ़ते हम आज भी 22 हैं क्योंकि जो 23, 24, 25 हैं वो बुक्स में दिए भी नहीं है, मे बी रेलिवेंट ना हो, जो भी है हम पढ़ते आज भी 22 हैं, बट हैं 25 हो गए हैं। उस टाइम आर्टिकल्स थे 395, आज हो गए हैं 465। उस टाइम पे शेड्यूल्स थे 8, अब हो गए हैं 12। याद रखना है, आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे, शेड्यूल्स भी हम पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। इस दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था, मतलब प्रॉपर तरह से एक्टिव हुआ था। अब हमने इसी दिन को क्यों अडॉप्ट किया, जब हमने 26 नवंबर 1949 को ही वो पास कर दिया था तो उसी दिन अडॉप्ट कर लेते, क्यों, क्योंकि 1930 में इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का आइडिया जो है वो पास हुआ था लाहौर सेशन में। इसलिए क्या किया गया, अब 26 जनवरी 1930 को ये चीज़ पास हुई थी तो इन्होंने 26 जनवरी 1950 का दिन रखा कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस टाइम पे फोर्स में आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नोट्स डिस्कस, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। मैंने कोशिश की है वो ईजी से ईजी तरीके से समझा सकूँ, मैंने नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बनाए हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।